हम अपने सियासी वर्करों पे डिपेंड करते हैं। हमने जहाँ पे भी इलेक्शन में लोगों को खड़ा किया है वो हमारे दोस्त हैं, हमारी जमाइत से उठे हुए हैं। हमें यकीन है कि ये जो जमायती ये आस्ता आस्ता बहुत ये इसके ये गेटअप है, ये हमारा इंतखाबी निशान का हमारा कार है और इस जमायत के तहत हमने अपने मंशूर को बनाया। मैं मुख्तसरन इसको इस मंशूर को चार हिस्सों में बांटता हूँ। हमने कोशिश की है कि डिटेल मंशूर देने के बजाय आउटलाइन दें, क्योंकि इस वक्त एक तासुर उभरा है कि मंशूर कुछ और होता है इलेक्शन कुछ और होती है। इलेक्शन में हुकूमत बनाने के बाद ये मंशूर कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ बातें हैं। लेकिन हम हतल इम्कान कोशिश करेंगे कि जिस मंशूर के ऊपर हम इलेक्शंस में जो फील्ड है ज़्यादातर हमारी सिंध है, उसलिए सिंध का एक दूसरा चैप्टर है जिसमें सिंध के कौमी मफाद और उसके तहफ़ बातें की गई है, कौन से कौमी मफाद हैं और उसका तहफ़ कैसे किया जाए, ये दूसरा चैप्टर है। जो सेटअप है और बदियाती इदारों की के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स या इसलाहत किए जाएं वो उसकी आउटलाइन दी है। पुलिस रिफॉर्म्स का दवाना एनर्जी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, आपाशी निज़ाम जो हमारा ज़रात हमारी ज़रई मैशियत है उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके अलावा माहौलियात हुए रुझाना जो ज़मीन निकल रहा है उसको कैसे रोका जाएगा, इसके लिए एक सामूहिक मन का भी है। औरतों का के हुकूक, नौजवानों के हुकूक, मजदूरों के हुकूक, कारियों के लिए घरों की स्कीम, माही गिरों का प्रोग्राम, माही गिरों के लिए प्रोग्राम, खाना बदोश आबादियों के लिए उनको बरसाने के लिए स्कीमें, सिंध ज़रई बैंक और मेगा प्रोजेक्ट्स के मुतालिक मुख्तसरन ये आउटलाइन है। डिटेल में तो हमने की थी लेकिन आजकल हमने देखा ना हमारे वर्कर पढ़ते हैं न लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमने कहा कि सिर्फ इसकी आउटलाइन उसी हमने उनको एक एक नुस्ते को 10-10 पीस मुकाद में हमने उसको बनाया।